अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और मेरे व्लॉग्स हमेशा की तरह लेट, तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल दावत में। नीचे ही मेरी सास यहीं होती हैं और सब बहनें वगैरह सब आएंगी। और यहाँ पर जो है शाम को कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए थे। अरबिश जो है नाए के बाल वगैरह सही कर रही हैं, नहाए हैं सब। तो यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं और फूफू के साथ अपनी बातें कर रही हैं ये। और माशाल्लाह से खूब अच्छी सी तैयार हुई थी आज, थर्ड डे की जो है ज़्यादा अच्छी तैयारी करी हुई थी। लेकिन अभी अम्मी की तरफ की दावत भी अभी पेंडिंग है, वो भी मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगी। सो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं और बस सब आ चुके थे तो बातें छाते चल रही थी। ये भी मेरी नंद है और ये जो ब्लैक कलर में थी वो भी मेरी नंद है, उसके आगे भी एक नंद बैठी थी। माशाल्लाह से तीन नंदे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी सी फैमिली है। और ये आलियान जो है ना अपने पापा के साथ लेटे हुए हैं और वो उनके पैरों के बराबर पैर लाने के लिए ना खूब नीचे तक जा रहे थे, तो मैं कैप्चर कर रही थी कि क्या हरकतें कर रहे हैं। सो बस यहाँ पर यही सब चल रहा था, बातें शातें चल रही थी। और यहाँ पर अब चादर बिछ चुकी है, डिनर टाइम हो गया है क्योंकि सब हो रहे थे भूखे। और हमारे सो एक्चुअली दावत थी ईद के चौथे दिन, तो लाइटों ने अपना दोबारा से रंग दिखाना शुरू कर दिया था, तो लाइट जाने वाली थी इसलिए हम जल्दी जल्दी से जो है खाना शुरू कर दिया था सबने। तो खाने में बहुत ही मज़ेदार सब भाई, मखनी हांडी बनाई हुई थी और पुलाव था और शीर थी, तो मतलब बहुत ही मज़ेदार खाना था। और वाकई भूख जो है ना वसूल हो गई, बहुत मज़े का खाना था। अच्छा फिर खैर यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, अभी खाना जो है लग रहा है। और ये सामने जो है वो मेरा जो देवर मैंने आपको बताया था उसका बेटा है जिसकी डेथ हो गई है, तो वो भी आया हुआ था। दो चार महीने बड़ा है, तो नहीं एक साल बड़ा है। तो उसके बाद ये है कि बस खाना लगा है और खाने में जो है मज़ेदार तेल वाले कुलचे और ये खूब सी सलाद, बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है खाना। और ये आलियान को मैं खिलाती जा रही थी क्योंकि सब बच्चों का खाना अंदर कमरे में लग गया था, तो बच्चे मुझे फ़िक्र नहीं है, माशाल्लाह सब अपने आराम से खा लेती हैं। लेकिन आलियान की ज़रा फिक्र रहती है, वो मोबाइल में लग गए थे और जगह भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो। उसका टाइम शुरू हो गया है और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर आके ना मुझे खूब सारी ईदी मिलती है अपने बड़ों से, जो कि देनी चाहिए बड़ों को अपने छोटों को। तो बस ये मेरे सबसे बड़े नंदोई हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, आपको नज़र भी नहीं आएंगे कैमरे में, तो ये ईदी बांट रहे हैं माशाल्लाह बड़ी। और सारे बच्चों को दी है, सारे बच्चे इस तरह से लाइन से बैठ गए हैं कि अब खाने के बाद ईदी का टाइम है। और दूसरी ट्रिप लग गई खाने की क्योंकि जो मेज़बान हैं अब वो खाएँगे और जो बच गए हैं। और ये मेरी नंद हैं, ये भी ईदी दे रही हैं, तो सबको दी थी, हमको भी दी थी और बच्चों को भी दी थी जो जो छोटे हैं। सो जी अब आई मेरी, तो मैं उठी हूँ आपने देखा, तो अब मैं अपने छोटों को ईदी दे रही हूँ, यानी कि मेरी देवरानी और देवर जो ईदी बांट रहे हैं, तो अब मैं उनको ईदी देकर आ गई हूँ। उसके बाद मेरी सास मुझे ईदी देंगी और माशाल्लाह से बस सास क्या ईदी देंगी, उनकी तो ईदी बनती नहीं है, लेकिन बड़ा ही मज़ा आता है सास से भी ईदी लेने में। वो भी जो है छोटे मोटे दस दस के नोट जो हैं वो छोटे छोटे से सारे बच्चों में बांट रही होती हैं और अपने बहू बेटियों में भी बांट रही होती हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ईदी की जो है ना अपनी ही बात होती है। सो बस यहाँ पर लाइट आने का वेट हो रहा है और खूब सारी बातें चल रही थी, बड़ा मज़ा है, बहुत अच्छी सी गैदरिंग होती है जब हम लोग सब बैठते हैं। तो हस्बैंड मेरे जो है ना वो तो कम बोलते हैं लेकिन बस सुनते रहते हैं और हम लोग जो है हंसते रहते हैं बस जो बातें हो रही हैं, और बड़ा ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा टाइम निकलता है। सो यहाँ पर जो है ना बच्चों ने अपने अपना पता नहीं बस क्या निकाला हुआ था, सबके नाम लिखे हुए और सबसे ऑटोग्राफ लिया जा रहा है फूफियों से सबसे, और अभी हम यहाँ पर आते हैं। तो बस उसके बाद एकदम से रूटीन पे आ गए, बस पता ही नहीं चला। चौथा दिन तो हम गए तकरीब में, उसके बाद मैं अम्मी के यहाँ चली गई क्योंकि ऐसी बस खाना खा दिल चाह रहा था, तो मैं एक दो घंटे, और मेरी खाला आ गई जिनके हम रोज़ा थे। सो बस हमने फिर वहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया क्योंकि लाइट जाने वाली थी, मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, आजकल बड़े काम चल रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि हमें अम्मी की तरफ छोड़ दें, तो बस वो लोग आ गए, तो उस तरह से हमारा टाइम पास हो गया। बस वो अम्मी से मिलने आई थी तो अच्छा हुआ कि मैं भी वहाँ थी, तो खूब गपशप लगी, पुरानी बातें निकली, बहुत मज़ा आया। सो चलें फिर इस व्लॉग के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।